गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग इकराम. सुबह सुबह किसे कॉल कर रही हो? लाले. खैरियत? कल रात चिनारुल गॉस के साथ खाने पर गई थी. लाले? अल्लाह, कम से कम उसके बारे में बात चाहता तो ना. मुझे तो लगता है कि लाले के लिए तुम्हारे कुछ और ही मंसूबे हैं. हाँ, मैं सयालचीन खानदान के बेटे के लिए मुनासिब समझ रही हूँ. जमानत भी और दामाद भी, तो एक तीर से दो शिकार. तुम जो भी कहो, ये सूरत हाल यही डिमांड करती है. चलो उठाओ लाले, उठाओ अपना टेलीफोन. इतनी सुबह तो वो सो रही होगी. अमीन बाबा, एक काम था आपसे. बोलो बेटा. तुम्हारी दरख्वास्त सर आंखों पर बोलो. मेरे लिए परेशान मत होना. आज रात मैं नहीं आऊंगी. केपियो को मत बताना. इन सब बातों का क्या मतलब है? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तुमने उठाया क्यों नहीं? सोते हुए इतनी खूबसूरत लग रही थी इसलिए नहीं उठाया. मैंने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत नींद ली है. मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें ऐसे सोता हुआ देख सकूं. उठो, अच्छा सा नाश्ता करते हैं. तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? बहुत भूख लगी है. आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं. क्या पोजीशन है? तुम जमानत के बारे में पूछ रहे हो ना? वक्त गुजर रहा है. मैं जानती हूँ. ये कहो कि हमें जमानत मिल गई है. मैं इसे एक लतीफा समझ लेती हूँ ग्राम. शफीक हमारी मदद करेगा, परेशान मत हो. वो गवर्नमेंट के इदारों के साथ मुलाकात कर रहा है. खोखली उम्मीद मत रखो जुमरद. अगर जवाब मुस्बत होता तो हमें फौरन बता देता. क्या मतलब? लाले की हम चिनार अलगास के साथ शादी करा रहे? अगर वो उसका पीछा करके गया है मतलब उस पर आशिक हो गया है. तुमने क्या लाले को कभी ऐसा काम करते हुए देखा है? ये मुमकिन नहीं है. उफ, मैं नहीं जानती. शायद इस खानदान के बारे में पहले से कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए. ये बात जुमरद ने अपने पंजे निकालना शुरू कर दिए हैं. ये हमारे लिए मुनासिब ना हो तो भी इस अलगास खानदान को मैं और करीब से जानना चाहूंगी. कौन लोग हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? चुनाव के ये सब करने पर मुझे कोई एतराज नहीं है. बस इतना काफी होगा कि वो उन लड़कियों से ताल्लुक ना रखे जिन्हें ना मैं जानती हूँ ना पहचानती हूँ, और ना ही वो हमारी बिरादरी की है. क्या कभी चनार ऐसा कर सकता है? नजीब साहब, क्या आपने ये नहीं कहा था कि चनार को उसके फैसले खुद करने दो? आप ही ने तो मुझे रोका था. गलत सुना और गलत समझ लिया आपने इकबाल खातून. मेरा नजरिया ये है कि चनार कभी कोई गैर मुनासिब काम नहीं करेगा. इंशाल्लाह. लेकिन पैरेट कार्ड्स तो उल्टा कह रहे हैं. जरूरी तो नहीं है कि पेशगोई ठीक हो, गलत भी हो सकती है. तुम लोगों को किस्मत नजर आ रही है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये तो बस एक खेल जैसी चीज है. मजे का है. जुबैदा आपा की ऑरेंज जैम मशहूर है बोर्ड रूम में. माफ करना. तुम बहुत स्वीट हो. क्या हुआ? ये जगह इतनी खूबसूरत है कि वापस जाना मुझे अभी से उदास कर रहा है. वापस कौन जा रहा है? नहीं जाते वापस. जैसा तुम कहो. अमीन तुमसे कुछ बात करना चाहता है. चिनार, जरा इधर आना. हाँ बिल्कुल. तुम बैठो, मैं आता हूँ. ठीक है? ठीक है.
मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। जहमत ना करें। जहमत कैसे मेरी जान। ज़ुबैदा पाची। हाँ। अमीन भाई और आपकी शादी को कितना अरसा हुआ? हाँ। भूल गई मैं। याद आया, जब हम पहली बार मिले थे ना, तब मुझे सजा मिली थी। पता है, अमीन बहुत अकलमंद आदमी था। जब मैंने मिलने से मना किया तो घर के चक्कर लगाने लगा। और अगले दिन लाले, तुम्हें बताऊं, वो मुझे भगा कर ले गया था। मैंने बहुत अच्छा महसूस किया था। देखो हमने, माशाल्लाह। जैसे भंवर होता है ना, पानी में गुड़ुक गुड़ुक डूब गई मैं। चिनार बहुत ही अच्छा लड़का है, उसकी आंखें तुम पर से हटती ही नहीं है। इंशाल्लाह तुम उसके साथ खुश रहोगी। हेलो हेलो यास्मीन, यहाँ सिग्नल नहीं आएंगे, वहाँ जाओ, वहाँ आ जाओ, आ जाओ, चलो आ जाओ ना। हेलो यास्मीन, लाले तुम कहाँ हो? तुम्हारी आवाज कट कट के आ रही है। हेलो, खुशामदीद चिनार। बिल्कुल, आपका कहावा काम सा राखों पर। तो फिर लाले को भी इंतजार नहीं करवाता हूँ। चलो इंतजार मत करवाओ, तुम परेशान नहीं होना, हर चीज रेडी है। आपका शुक्रिया। हटो हटो, मुझे देखने दो। बच्चों यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या तुम सब ठीक हो? जी हाँ। उस्मान, तुम कितने बड़े हो गए हो बेटा? पांचवी जमात में आ गए हूँ चिनार भाई। बहुत अच्छे मेरे बेटे, बताओ सबसे बड़ा कौन है? जिम बॉम। कौन है? सबसे बड़ा केसरी स्पोर्ट फुटबॉल टीम है। बहुत अच्छे। आयशा तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ चिनार भाई। और अम्मी कैसी हैं? ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे बच्चों। माफ करना, तुम इंतजार करवाया। चलो जरा तुम्हारे लिए सरप्राइज है। कहाँ? चलो चलो ना। चाय वगैरह नहीं बनाना, मैं तुम लोगों के साथ ही फैशन हाउस जाऊंगी। सब खैरियत है? प्रमोशन में कस्टमर्स के लिए फैशन शो रखा है ना। काश मेरे पास भी इतना वक्त होता तो मैं भी चल पाती। चलो तुम भी चलो, क्या सारा काम तुम्हें करना है? आपका चनार को फोन ना करना अच्छा हुआ। तुमने भी तो अभी तक कोई बात नहीं की, इसीलिए मैं भी चुप हूँ, ये वजह है। मतलब ये कि कश्ती हवा के साथ बह रही है। इकबाल भाभी, मेरे ख्याल से चिनार का दिमाग खराब हो गया है। हे सुभान अल्लाह, चलो मैं जा रही हूँ। हमसे पहले आपका निकलना हमारी रिवायत नहीं, हमारे बाद यहाँ ख्याल कौन रखेगा? परेशान मत हो, मैंने मुरवत से कह दिया है। इधर आओ। खोल सकती हूँ अपनी आँखें आप? अभी नहीं, इंतजार करो। चलो अब खोलो अपनी आंखें। मेरा नफीस, नाजुक मासूम फूल, मेरी लाले, क्या तुम मेरी दुल्हन बनो? शुक्रिया। खुशामदीद मिस ज़ुमरत, कैसी हैं आप? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जमीला हूँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। किस
सब लोग अचानक कहाँ गायब हो गए? इतनी देर हो गई है, कब शुरू होगा फैशन शो? जुमरुद तश्करान आई हैं, सब उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या वो भी यहाँ आई है? आज वो पहली दफा यहाँ पर आ रही हैं। आए इस तरफ, उम्मीद करती हूँ आप इंजॉय करेंगी। हाँ बिल्कुल। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। प्लीज आप यहाँ तशरीफ रखिए। क्या आप इन्हें पहचानती हैं? ये इकबाल अलगाज हैं। खुशी हुई, मैं जमरुद तश्करान हूँ। जी, मैंने मैगजीन पर आपकी तस्वीर देखी थी। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी लेट हो गई। अब मैं आ गई हूँ तो शुरू कर सकती हैं आप। एक्सक्यूज मी, मुझे फ्रेश कॉकटेल मिल सकती है? एक काम कीजिएगा, दो ड्रॉप्स लेमन के प्लीज। बिल्कुल। चिनार साहब तक हम नहीं पहुंच पाए। अल्लाह अल्लाह, बड़ी कश्ती के कैप्टन से मेरी बात कराओ, उससे कोई मदद मिल सकती है। जी बिल्कुल ठीक है। कहां गुम हो गया ये लड़का? लाले, उसने यास्मीन को फिर कॉल नहीं किया। ओ जुमरा, तुम इसको बिला वजह इतना बड़ा इशू बना रही हो। वो अपनी मर्जी कर सकती है। ठीक है, हम एक सुलझे हुए खुले जहन रखने वाले खानदान के लोग हैं, लेकिन मेरा एतराज सिर्फ चिनार अलगास पर है। गर्मियों का प्यार है, आता जाता रहता है। इकराम, काश तुम्हें आज इकबाल अलगास को देखने की फुर्सत मिल जाती तो तुम्हें समझ आ जाता मैं क्यों परेशान हूँ। जमानत अभी भी नहीं है हमारे पास जुमरत, अगर तुम चाहती हो तो इसके लिए परेशान हो जाते हैं, क्या कहती हो? जमानत की फिक्र मत करो, हम ढूंढ लेंगे इकराम। शफीक हमें आगे रास्ते में नहीं छोड़ेगा। अगर अम्मी बॉर्डरम आ जाए तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। अम्मी लाले की परवाह करने से पहले महल की जब्त की का सोचें। अच्छा, तो तुम्हें अभी तक याद है, चलो तुम्हें कुछ तो अकल है। अगर पानी के बहाव के साथ साथ कश्ती जा रही हो तो किसे क्या पता कहाँ कहाँ गई होगी। चिनार साहब को हमने ढूंढ लिया। नजीब, चिनार की कोई खबर आई? हाँ खबर है। कहाँ है वो इस वक्त, क्या कर रहा है? चिनार, उसने खुफिया शादी कर ली है। उसने शादी कर ली, किसके साथ? भाभी एक मिनट होल्ड करें, मैं देख रहा हूँ। हाँ ठीक है, ओ ये रही, मैं बात करवाता हूँ, बस एक मिनट होल्ड करना। मैगजीन वाला ले पैसो, कोई इमरजेंसी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तुम? क्या आपकी बहुत मेहरबानी,
मेरे खातिर इस मौजू पर बात ना करें मुझसे, बस आप कुछ भी मत पूछें। क्या हुआ जुमरत? जिसका डर था वही हुआ, लाली ने बोधरम में शादी कर ली। अभी आप लोग पीछे हट जाएं। हमें सिर्फ एक सवाल ही पूछना उनसे। मैं कह रहा हूँ ना, आप लोगों से पीछे हट जाएं। मिस यास्मीन, प्लीज आप हमारे पीछे हटें। हम लोग सवाल पूछना उनसे। मिस लाले ने चिनार अलगास के साथ शादी कर ली है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? उन्होंने शादी कर ली है। क्या? कहकर तुमने मुझे पूरी दुनिया दे दी, मुझे बहुत खुशी दी, शुक्रिया तुम्हारा। उम्मीद करता हूं तुम्हें भी मेरा तोहफा पसंद आए। खोल लो अपनी आंखें। ये जगह तुम्हारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा चिनार। ये जगह सिर्फ तुम्हारी है। शायद मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सी बारात ना ला सका, मगर मैं तुम्हें एक खास तोहफा देना चाहता था। तुम ऐसा मत कहो, तुमने मेरे ख्यालों जैसी बारात दी है मुझे। इस तोहफे पर तो यकीन ही नहीं आ रहा चला, ख्याल में भी नहीं सोचा था मैंने। तुमसे प्यार करती हूँ मैं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। काश हमेशा सब ऐसे ही रहे, लेकिन मैं डर रही हूँ बहुत। इस्तांबुल जाते ही ये शहर कहीं टूट ही ना जाए। हर किसी से इस इश्क को बचाएंगे। डरो मत, वादा करता हूँ मैं हर एक से इस इश्क को बचाऊंगा। वादा करता हूँ मैं लाले, और तुम्हारी कसम लेता हूँ कि मरते दम तक तुम्हें प्यार करता रहूंगा। तुम जन्नत कदमों तले ले आए हो। हर जगह तुम्हारे साथ जन्नत है। मेरे लिए दौरे लाले शुरू हो रहा है। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? इकबाल खातून, ये किस किस्म की बात है? की बात है, अपने दिमाग से ये बातें निकाल दें। इस दुनिया में हर चीज हम इंसानों के लिए है। बुजदिल निकालते हैं अपने दिमाग से ख्यालात। ये बहुत बड़ा झूठ है कि इस दुनिया में हर चीज हम इंसानों के लिए है। हैरत है, क्या तुम्हारे मुंह से निकले हुए अल्फाज तुम्हारे कान नहीं सुन रहे? मैं जिंदगी का नया तजुर्बा नहीं कर रही हूँ नजीब साहब। मैं जानती हूँ मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। हिम्मत हो तो इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। जो मैं जानती हूँ वही कह रही हूँ। चिनार बहुत बदल गया है। जिससे प्यार करता था उसे अपना लिया, और अपनी मर्जी से शादी भी कर ली, और वो भी सबसे छुपकर। उसने अपने प्यार को तो अपना लिया, लेकिन उसके बाद उसने मेरी जिंदगी कम कर दी। उसने कहर गिरा दिया। मैं बात नहीं कर पा रही, लाले तक पहुंच नहीं पा रही। जो होना था वो हो गया, अब तुम्हारा गुस्सा करने का कोई फायदा तो है नहीं। मेरी बेटी ने मुझे बताया बगैर एक तंग नजर फैमिली के बेटे से शादी कर ली। सारे अखबारात उनसे मुतालिक खबर से भरे हुए हैं। यहाँ मेरा गुस्सा होने का हक ही नहीं है। मत करो जुमरत, तुम्हारे एजेंडे इससे ज्यादा अहम है। तुम्हारा क्या मतलब है? महल हाथ से चला जाएगा? हाँ, शफीक हमें आधे रास्ते में नहीं छोड़ेगा, परेशान मत हो। ठीक है, देखेंगे। देखिए इकबाल खातून, आपकी आंखों से गिरने वाला हर एक कतरा इस खानदान के नूर को कम कर देगा। मेरा दिल नहीं मानेगा कि मैं आपको ऐसे उदास देखूं। परेशान मत हो, तुम जैसे चाहोगी वही होगा। क्या मतलब है? चिनार की तलाक करवा देंगे क्या आप?
ये हमारे खानदान का निजी मामला है महमद, बेहतर होगा कि हम इसे खुद ही सुलझा लें। महमद क्या बाहर के दरवाजे का हैंडल है भाई? इस घर का दामाद है और आपके वाहिद पोते यूसुफ का बाप है। इस खानदान में बीवियां कब से अपने शोहरों की वकालत करने लगी? खामोश रहो। मेरा सर, इस तस्वीर को यहाँ से हटा दो, होल्डिंग भेज दो। इन कछुओं को देखकर मुझे मतली सी हो रही है। मरवत से कहो कि जाए एक चादर लाकर इस तस्वीर पर डाल दे, मैं ना उसको देख पाऊँ। मरवत, एक चादर लेकर आओ। शैतान कह रहा है कि इन सबको सामने ले आओ, तबाह कर दो इनकी शादी। चनार देख ले इसकी बीवी की मां की चालाकियां। बचा लो चनार को इस जाल से, इकबाल खुश हो जाए। बोर्डरूम के मुसाफिर वापस आ गए। हाँ, बस एक के अलावा। हे, तो लाले के साथ तुम बात कर पाए क्या? आप पहले कोई सलाम, कोई खुश आमदीद वगैरह तो बच्चों को कह लेती। ये वेलकम सेरेमनी का वक्त नहीं है। लाली ने जो स्कैंडल किया है वो बीच में है। हम जानते हैं, इसीलिए छुट्टियों के बीच में ही वापस आ गए हैं। उस तक ना पहुंचने वाले सारे सहाफी हमारे पीछे पड़ गए हैं। जिसको देखो सबकी जुबान पे लाली की शादी है। तो ये शादी इतनी अहम है कि हर किसी की जुबान पर है? जैसे ये मेरा मसला है भाई, लाली की शादी से मुझे क्या, हाँ मुझे क्या। अपने आप ही आओ, ये कैसा रवैया है तुम्हारा? मैं भी गुस्से में हूँ लेकिन मैं अपने आप को संभाल रही हूँ, है ना? कहाँ है वो लोग, कोई खबर है उनकी? नहीं। फोन का मत छोड़ना, कभी ना कभी तो किसी तरह हम उस तक पहुँच ही जाएंगे। ठीक है, जैसा आप चाहें। बैटरी खत्म हो गई। बैटरी से मुझे याद आया, मैंने पिकअप से अपना फोन नहीं देखा, साइलेंट पे था। 37 मिस्ड कॉल्स। 37? ऐसा तो नहीं कि कुछ हो गया हो? मैं नहीं जानता। सिग्नल आ गए हैं, अभी पता चल जाएगा। हेलो, क्या खबर है? खबर तो तुम्हारे पास है, मुबारक हो तुमने शादी कर ली। तुमने कहाँ से सुना? बस करो चिनार, क्या तुमने अखबारात नहीं देखे? तुम्हारे घर वालों को सरप्राइज मिला है। बाल आंटी बिस्तर पर पहुंच गई है। क्या? वो बहुत परेशान है तुम्हारे लिए, उन्हें कॉल कर लो। ठीक है, अभी कॉल करता हूँ। क्या हुआ? मैंने मेरिट को कॉल की थी, वो मेरा सबसे करीबी दोस्त है। हमारी शादी की खबर फैल गई। क्या? कहाँ से पता लगा उन लोगों को? मेरिट ने मुझे बताया कि अखबारात में खबर आई है। चाचा को फोन करता हूँ, क्या हुआ है अभी पता लग जाएगा। हेलो। हेलो चाचा, कैसे हैं आप? कैसा होना चाहिए चनार, तुम्हारी शादी का सुना, टूट के रह गए। बोलो, ऐसा होना चाहिए? मुझे भी अफसोस है, मैं चाहता था आप हमसे सुने पर ऐसा नहीं हो पाया, आपको अखबारात से पता चल गया। वापस चलते हैं चाचा। आपने सुन लिया ना अपनी बहू को, वो कह रही है वापस चलते हैं, इस्तांबुल में मिलते हैं अब। तुम्हारे घर वालों का नहीं पता लेकिन मेरी अम्मी तो बहुत जज्बाती हैं। सबका दिल जीत लेंगे इस्तांबुल वापस जाकर, और मेरी अम्मी ने तो अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं अपनी बहू के लिए। परेशान मत हो, हर चीज खूबसूरत होगी, यकीन करो मेरा। उफ, मेरा सर। चनार ने कॉल की थी, वो लोग आ रहे हैं आज। हाँ आज। सारा इंतजाम करना होगा, बहुत काम है। बिल्कुल तैयारी करो, ऐसे अपनी बहू की खुशामद नहीं करना। मैं जानती हूँ मुझे उससे क्या कहना है। तुम मसाइल क्यों बढ़ा रहे हो, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। दुबाने वाला कौन है, ऐसी शादी को कबूल करना मुमकिन नहीं। जो हमारा उनके बारे में ख्याल है
बात भी वही होगी नजीब साहब, माजी की तरह फिर आप मुझे आधे रास्ते में मत छोड़ के चले जाइएगा। ये देखो बस सब्र इंसान को। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, चुप हो जाओ, अभी वो सुन लेगी तो फिर चिक चिक शुरू हो जाएगी। बुजदिल मत बनो मेहमत। मैं बुजदिल? असल में जो तुम कर रही हो वो बुजदिली है। थोड़ी देर पहले तुम्हें इकबाल आपने का ढांग दो तो तुमने उनका कहना मान के ढांग दिया, अब तुम कदामत पसंदी की बातें कर रही हो। मैंने तुमसे कहा मेरी बात सुनो पर तुमने सुनी ही नहीं। नहीं सुनूंगी, तुम मेरी भाभी को जानते नहीं हो। इस महल से बाहर निकलते ही बाहर के दरवाजे का हैंडल बना देंगी, फिर होल्डिंग ख्वाब में देखना। वैसे भी किसी आने वाली लड़की को मैं अपने बाबा का माल नहीं दूंगी। आने वाली लड़की है ना? हाँ, पहले एक थी अब दो हो गई। चिनार का इस सोसाइटी की खूबसूरत लड़की से शादी करने पर मैं खुश हूँ या उदास मैं नहीं जानती। बेटा क्यों उतार रहे हो उस चादर को? अम्मी आप ही ने तो कहा था कि ये तस्वीर कंपनी में चली जाएगी और जाने से पहले मैं इसकी एक तस्वीर खींचना चाहता था। जल्दी मत करो, ये पेंटिंग कहाँ रहेगी इसका फैसला तो चिनार करेगा। चिनार भाई आ रहे हैं, वो रास्ते में। हेलो चिनार जी, कौन? मैं यास्मीन तश्करान। अस्सलाम वालेकुम। मैंने खबर सुनी, लाली की वजह से बहुत परेशान थी। दोस्तों से मिला तुम्हारा नंबर। हम इस्तांबुल में हैं, वापस आ गए हैं। लाले को फोन दूं क्या? अगर तुम लोग यहाँ वापस आ गए हो तो जरूरत नहीं है, फिर लाले मुझे कॉल करेगी। ठीक है, मिलते हैं फिर, खुदा हाफिज। मिलते हैं। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो तुम्हारे लिए परेशान थी। सबकी तरफ से सिर्फ नजीब साहब बात करेंगे। हम किसी की तौहीन नहीं करेंगे। और हाँ, हम बहू की तौहीन नहीं करेंगे मगर उसे गले भी नहीं लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये पेंटिंग भी तो यहाँ पर ऐसे ही रह गई। रहने दो रेहान, इस पर से कपड़ा हटा दो। चिनार, बहू को लेकर थोड़ी देर में आता होगा। हम किसे बहू किसे आम लड़की कहेंगे ये हम जानते हैं, आने वाली है देख लेंगे। रेहान, मरवत से कहो इसे फौरन यहाँ से हटा ले, कहीं और जाके टांग दे। ठीक है इब्राहिम, तुम गाड़ी में ही रहो, बस हम पहुंच गए, यही है। क्या हुआ लाले? कुछ नहीं, मैं थोड़ी जज्बाती हो गई, थोड़ी डर गई हूँ शायद। क्या तुम डर रही हो? दुल्हन बनकर आई हो तुम इस महल में, और वो भी मेरी दुल्हन बनकर आई हो। यकीन करो तुम, खुशियों से भरे दिन होंगे हमारे यहाँ। थोड़ा ऐसा करो, गाड़ी रुको एक मिनट। हेलो माँ, तुमने ये क्या किया है लाले? ऐसे लोगों के साथ जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं। इतने बेकार लोगों से रिश्ता जोड़ने का क्या फायदा है? माँ प्लीज मेरी बात सुने। क्या तुम जानती हो? तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। जहन्नम के दरवाजे पर खड़ी हो तुम लाले। उनके साथ मिलकर रहना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। लेकिन प्लीज सुने तो। आ गए मॉम, वो लोग आ गए। अच्छा तुम कमरे में जाओ, आप मुझे दुल्हन तो देखने दो। जो आ रही है वो हमारे हिसाब से दुल्हन नहीं है, अगर होती तो तुम्हें। क्योंकि आप मेरी मॉम है। मिलते हैं। अभी ये लड़की आई है, दो दिन बाद उसकी माँ भी आ जाएगी। चलो चलते हैं। खुश आमदेद।
खुश आमदीद चिनार।